भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के एदलापडु में एक पहाड़ी पर गैर कानूनी तरीके से ईसाइयों का क्रॉस लगाया गया है। हिंदू पुराणों के मुताबिक यहां पर देवी सीता के पांव के निशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां क्रॉस लगाया गया है उसके पीछे हिंदू देवता नरसिम्हा की पत्थर की मूर्ति है। सुनील देवधर का ट्वीट कर्नाटका से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कोट ट्वीट किया। तेजस्वी ने यह भी लिखा कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी ये दावा शेयर किया कि सीता के पदचिन्ह की जगह क्रॉस लगाया गया है। ऑल्ट न्यूज ने आंध्र प्रदेश की पुलिस से बात की। एदलापडु पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर श्रीहरि ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये क्रॉस उस पहाड़ी पर लगाया गया है जहां मदर मेरी का कम से कम 30 साल पुराना मंदिर है। इसके करीब 500 मीटर की दूरी पर एक दूसरी पहाड़ी है जहां हिंदू देवता विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा का पूजनीय स्थल है और हिंदू धार्मिक स्थल पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। जब हमने और चेक किया तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली जिसमें नरसाराव पेट के डिप्टी कलेक्टर श्रीवास नुपुर का बयान था। उन्होंने भी वही बात कही थी जो सब इंस्पेक्टर श्रीहरि ने हमें बताई थी। गुंटूर की रूरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और दिखाया कि हिंदू धर्म स्थल असल में दूसरी पहाड़ी पर है। गुंटूर जिला कलेक्टर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ये दावा कि क्रॉस को सीता माता के पदचिन्ह और भगवान नरसिम्हा की मूर्ति वाली जगह पर लगाया गया है सच नहीं है। हालांकि इस पूरे दौरान डिप्टी कलेक्टर श्रीवास के हवाले से यह भी मालूम चला कि चर्च की अथॉरिटीज ने सरकार की अनुमति आने से पहले ही सीढ़ियां बनानी और क्रॉस लगाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाया। ये बातें श्रीवास ने हिंदुस्तान टाइम्स से कही थी। चर्च अथॉरिटीज ने वो क्रॉस लगाने के लिए अनुमति मांगी थी लेकिन अभी उन्हें मंजूरी नहीं मिली है और न ही उनकी इस एप्लीकेशन को खारिज किया गया है।